हाल ही में हुए उप मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा कार्यकर्ता मेड़ावा में रामटेक में पूर्व विधायक द्वारा तीव्र नाराजगी व्यक्त की गई तथा उप मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले के सामने ही रेड्डी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद मंच छोड़कर नीचे सामान्य कार्यकर्ता के बीच जा बैठे। खास बात तो यह है कि इस नाराजगी के बाद भी रेड्डी को ऊपर आने को नहीं कहा जाता, रेड्डी नीचे ही बैठ जाते हैं, बावजूद इसके मंच पर कार्यक्रम शुरू रहता है। कार्यकर्ता साठे काम करणार होतो मी तिन्ही नगर परिषद निवडून आणलो, त्या ठिकाणी आपले ग्राम पंचायत निवडून आणली आणि सर्व गोष्टी झाली। आता खरेदी विक्री निवडून आली, त्याच्यामध्ये यांचा काय वाटा आहे, काही वाटा आहे का यांचा? नाही आहे। माझ्या समर्थन आहे जे काही आपल्या युतीला मी काही युतीचा विरोध करत नाही, फक्त व्यक्तिगत त्यांनी कमलला पाडून आले आणि आता सोबत मांडीला मांडी लावून बसत असतील हे मला मान्य नाही। भाजपा कार्यकर्ता मेड़ावा में विधायक जायसवाल व सांसद तुमानी की उपस्थिति या रेड्डी को मंजूर नहीं थी। इस मामले में शिवसेना उबाठा के जिला प्रमुख देवेंद्र गोडबोले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही कार्यक्रमात सार्वजनिक असो असा खाजगी कार्यक्रम असो न बोलवताना जेव्हा तुम्ही आमदार म्हणून खासदार म्हणून त्या ठिकाणी जाल तर त्याचे परिणाम हेच होणार आहे। आता या वेळेस तर रेड्डी साहेबांनी फक्त शाब्दिक हमला केला, पुढच्या वेळेस जर हे दोन्ही आमदार आणि खासदार भाजपच्या कार्यक्रमात दिसले कदाचित तर रेड्डी साहेब तर जोडा घेऊन धावायचा यायच्या मागे। सूत्र बताते हैं कि भले ही रेड्डी तीखे बोल के हैं, लेकिन रेड्डी एक ईमानदारी छवि के नेता रहे हैं। इस राजनीतिक मोड़ के बाद भी रेड्डी के लिए रामटेक की जनता के मन में कितनी सिंपैथी निर्माण होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। NBC न्यूज के लिए रामटेक से अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।